कोई भी हो, अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं आजमाइश तो करके रहूंगा। तो यहाँ पर हम सब जो दुनिया में आए, हम सब आजमाइश से गुजरने वाले हैं। कैसी होगी, क्या होगी, ये सब अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह हमेशा शाहिर काहिन इस तरह बयान किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी अपने दीन का काम कभी भी नहीं छोड़े। तो हम भी दीन का काम छोड़ना नहीं है, कोई कितना भी क्या भी कहे उससे हमको परेशान नहीं होना है। तो हम यहाँ पर देखते कि प्रोटेक्शन है, कुरान क्या है, तो और उसमें हम कोई चीज भी चेंज नहीं कर सकते कुरान में। और स्टार्स क्या है, ब्यूटिफिकेशन के लिए है, उससे फॉर्च्यून टेलिंग नहीं करना है, अच्छा इससे ये तारा ये होने वाला है, नहीं। और यहाँ पर अल्लाह ताला की हर क्रिएशन में हम देखना चाहिए। और ट्रेजर जो अल्लाह के खजाने हैं बहुत ज्यादा है, हम अगर तोलने गए, अगर उसको मेजर करने गए, हम नहीं कर सकते। और रियलिटी क्या है, इंसान की एक बदबूदार मिट्टी से बने हुए है। और शैतान क्या है, उसकी स्ट्रेटजी है ईवल चीजों को भी उन्हें ब्यूटिफाई करके बताता। और सिंसियर सर्वेंट्स क्या है, शैतान उनके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता। जो मुखलसीन है ना, खालिस जो अल्लाह के बंदे है ना, वो इतना कोशिश करता लेकिन उस पे वो नहीं आ सकता उनके ऊपर। और हेल फायर क्या है, 7 गेट्स है इसके। और हम दुआ भी करना, रब्बना सरिफ अन्ना अजाब जहन्नम, अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अजाब से बचाए। और हेल फायर के 7 गेट्स है और जन्नत के 8 है। और फिर यहाँ पर सबल मसानी, 7 आयतें जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। कौन सी है 7 आयतें, सूरतुल फातिहा, ये सूरतुल हिजर में हम देखे। फिर कुरान के बारे में आया कि ये बहुत बड़ी बरकत वाली किताब है और ये दुनिया और आखिरत के लिए हमारे फायदेमंद है। और ये अल्लाह ताला बताते हैं सुभान अल्लाह ही वो भी हम दिए, अल्लाह की ग्लोरिफिकेशन करो, अल्लाह की हमदो सना करो, और सिर्फ अल्लाह ताला की ही इबादत करना है। हम जब तक इस दुनिया से भी जाए तो अल्लाह की इबादत करते हुए। फिर हम देखें सूरतुल नहल में किस तरह डिफरेंट मतलब मवेशी जानवरों की जो पहचान बताया अल्लाह ताला, देखो इसमें ये खाने से फायदे है, किसी पे हम उस पे सवारी करते और किसी पे हम क्या करते उसका गोश्त खाते। और इवन जो पानी के भी है ना, फिश है या श्रिम्प है, वो भी अल्लाह ताला बताए कितने फायदेमंद है। और बारिश की बात हुई, बारिश कितना मान तहूरा है, ये बारिश का पानी जो है ना बहुत तहूर है, बहुत प्योर पानी है। हम इसको पानी पीते भी और अपने एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं, पास्चर के लिए, और फिर उसके बाद डिफरेंट चीजों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बता रहे हैं कि इसमें सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और बेनिफिट्स ऑफ रेन्स, और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि किस तरह फायदे इसमें अल्लाह ताला बताए। और यहाँ पर क्रॉप्स है, ऑलिव्स है, डेट्स, ये सब जो फ्रूट्स यहाँ पर दुनिया में बता रहे हैं ना, आखिरत में भी इसी तरह से मुतशाबिहात, मिलते जुलते ही फ्रूट्स देंगे अल्लाह ताला वहाँ पर भी। और बेनिफिट्स बताए कि फ्रेश मीट, पर्ल, ज्वेलरी, शिप्स कैसा सेल करते, और अल्लाह का ग्रेटिट्यूड, अल्लाह की हम शुक्र गुजारी होना चाहिए क्योंकि अल्लाह सब चीज दिए। और फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह मरे हुई चीज को भी जिंदा करने वाला है, सारी जो भी अच्छी चीज है अल्लाह के तरफ से। और जन्नत के लिए दुआ करना, उदखुलुल जन्नता बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह ताला बोलते हैं तुम जन्नत में एंटर हो जाओ जो तुम काम करके आए। तो काम करने वालों के लिए जन्नत है ये, बगैर काम करे नहीं। तो ईमान के साथ अमल साले, और कुरानिक कमांड्स जो अल्लाह ताला के जो कमांड्स है वो किस तरह एक्सप्लेन करे गए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुन्नत के जरिए। और जब हम अल्लाह की पनिशमेंट से डर के अच्छे काम करेंगे ना, तो उनका ही फायदा है। और जो हम बुरा करेंगे बुरा ही होगा, अच्छा करेंगे अच्छा। तो अल्लाह ताला की हर चीज में अल्लाह ताला की बाउंड्री है, जो अल्लाह ताला जो भी करे उसमें हम राजी होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर कुरान पढ़ने की बात आई कि कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हिदायत है और ये रहमत है। दूध और शहद की बात हुई, दूध भी हमारे लिए बेनिफिशियल है और शहद भी। अगर आप दूध नहीं पी सक रहे हैं तो दही खाओ या चीज, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप दूध के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। फिर अल्लाह का कमांड बताया गया कि जस्टिस करो, अच्छा करो, और किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कभी, और स्पेशली दीन में अंधी तकलीफ नहीं करना है। अल्लाह जो बताए उसके रास्ते पे चलना है, अल्लाह के अहकाम को फॉलो करना है, ना कि अपने। तो ये रुबमा जब शुरू होता, मतलब
कभी चाहेंगे या वुद्दुल्लज़ीना कफरू, जब लोग कुफर करें ना तो अब लोग हसरत कर रहे हैं, अरे काश हम ऐसा नहीं करते, लव कानू मुस्लिमीन। तो जब जुल्स शुरू होता है, जब भी उन लोग बोलते हैं अच्छा हम काश हम मुसलमान होते, हम ये सब चीजें नहीं करते तो हमारे लिए बेहतर होता, जर हम या कुलू या तमत्ता छोड़ देते इन्हें, वो कहेंगे मतलब जो इन लोग कर रहे थे ना, आप उनके लिए कुछ भी काम आने वाला नहीं है, इन लोग गाफिल थे, गफलत में थे। तो बोल रहे हैं तुम ये सब गाफिल और गफलत में थे ना, अब देखो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे थे। तो हम गफलत की जिंदगी नहीं गुजारना, गफलत की जिंदगी बहुत ज्यादा मतलब स्केरी है। और जब बंदा अपने अजवाज आरजुओं को लंबी करता ना, तो उसकी जिंदगी का अमल खराब हो जाता। आप समझे कि एक के बाद एक आरजू, आप सोच रहे हैं ये कर लूं वो कर लूं, तो उसमें क्या होता, आप दुनिया में ही रह जाते, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। आप दुनिया में इस तरह रहो जैसा कि बिल्कुल थोड़े दिन जब रहना है ना। और दुनिया की जिंदगी कैसी है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक उंगली पानी में डाल के बताते, जितना पानी लगाना उंगली को, बोलते कि इतनी जिंदगी है। और कुरान मजीद क्या है, मौजा है, और हमारे कुरान हम पढ़ना चाहिए, अपने दिल में महफूज करना चाहिए। हर कोई मेमोराइज नहीं कर सकते, जो मेमोराइज कर लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कुरान ऐसा दिल में हिफाजत करना है, देखिए आप जब चाहे उसको आप रिटेन कर सकते हैं। तो हम कोशिश करना चाहिए जितना भी हम, अगर आप मेमोराइज नहीं कर सक रहे हैं तो आप जितना भी पढ़ सक रहे हैं उसके लिए आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो खालिस बंदे रहेंगे वो शैतान उनके ऊपर ओवर पावर नहीं कर सकता, उन्हें उन्हें कितना भी कोशिश करता उन्हें कि अच्छा मैं ऐसे बंदों को भटकाऊंगा, बोल रहे हैं कि नहीं। और जो लोग जन्नत में जाने वाले हैं, दोनों का बताया गया कि इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाती वही, जो मुत्तकीन रहेंगे उन लोग ही जन्नत में जाएंगे, और उनके लिए क्या होगा, उदकुलुहा सलामन, उनके लिए सलाम से वेलकम करेंगे। लेकिन जो जहन्नुम में है, वह इन्ना जहन्नुमल मौईदुहुम अजमईन, और उनके लहा सबतुम अव्वाब, बोल रहे हैं कि उनके लिए 7 डोर है, लिकुल्ली बाबिन मिनहुम जुज़ुम मस्कूम, बोल रहे हैं कि उनके लिए 7 डोर है, और वो भी जहन्नुम के। तो अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला मुझे जहन्नुम की आग से बचाए। और कोई चीज भी नहीं बदल सकते हम, अल्लाह से सिर्फ बैक कर सकते, हम मांग सकते अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ही, जब हम अल्लाह ताला से मांग करते और दुआ करते तो अल्लाह ताला हमारे परेशानियां और तकलीफ को दूर कर देता। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को ना दिखलाया जाता, ना बोलते कि दिखावा भी मत करो और ऐसा लोगों को धोखा भी मत दो। और जो तस्बीहात है उसकी बहुत इम्पोर्टेंट है, फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, अल्लाह की हमदो सना करो और बन जाओ तुम सजदा करने वालों में से। अब बोल सकते थे नमाज पढ़ने वालों में से, लेकिन सजदा मतलब इनडायरेक्टली भी वही है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, तो कसरत से हम अल्लाह की तस्बीह बयान करना है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये भी हम पढ़ सकते हैं, और ये मीजान को भर देने वाले चीज़ें हैं। तो हम जब देखते हैं इंटरसेशन और जो रेजरेक्शन होगा, तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या होगा। इंटरसेशन होगा मतलब शिफात, फिर उसके बाद बास मतलब रेजरेक्शन, ब्लोइंग ऑफ ट्रम्पेट बोलते नफा, जो सूर फूक दिया जाएगा। अब सूर फूक दिया जाएगा तो अब यहाँ पर ये फ्लो चार्ट कैसा जा रहा, एक जब आप समझो कि दुनिया में, दुनिया के बाद खबर में आपको बरी करके चले गए, उसके बाद क्या होता, ट्रम्पेट ब्लो होता, ट्रम्पेट ब्लो हुआ तो डे ऑफ रेजरेक्शन क्यामत का दिन फॉर्म होता, फिर उसके बाद शिफा, जो सिफारिश करे जजमेंट में, तो अब बुक ऑफ डीड्स क्या रहती, उनके पास सहीफा रहता बुक ऑफ डीड, और फिर उसके बाद मीजान एस्टैब्लिश होता, और अल कौसर रहता हौजे कौसर, और हौजे कौसर पे वही लोग मिलेंगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा करे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। अब टेस्ट ऑफ बिलीवर्स का क्या है बोले तो उनका ब्रिज ओवर हेल रहेगा, लेकिन उन्हों कैसा कंतरा जो है ना, ब्रिज ऑफ जन्ना अल कंतरा है, वो उन लोग पास कर सकेंगे अगर उनके आमाल अच्छे रहेंगे। अगर आमाल अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होता, हेल फायर में उन लोग गिर जाते। और फिर उसके बाद तो मक्खी के बारे में बताया, कैसा हम वही करें मक्खी को, अब सोचेंगे कि अच्छा मक्खी के लिए कैसा वही करते, मतलब इनके इंस्पायर करें कि अच्छे फलों में से वो उसको रस लेना है, ऐसे जो कड़वे कसीले रहते हैं ना फूल, उसमें से उन्हें रस लेती भी नहीं वो,
सिर्फ अच्छे फलों में से रस लेती वो। तो यहाँ पर वही बताया गया कि वो अच्छे फलों में से रस खींचती और फिर किस तरह सील करती। और शिफाउ लिन्नास, आप शहद फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब लेते हॉट वाटर के साथ या खाली शहद भी पी लेते तो शिफा है सारे सारे लोगों के लिए। तो इन फिजालिकल आयात, क्योंकि ये अल्लाह ताला बता रहे, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तहरीम में बोलते कि नहीं मैं अपने लिए शहद को हराम करूँ, वो तो अल्लाह ताला वही भेज देते, बोलते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। और शहद की मक्खी से हम सीखते कि किस तरह उन्हें अपना काम कर रही, वो गंदे चीजों में जाके रस लेके नहीं आती। तो हम भी क्या करना चाहिए, हम अपने आप को शहद की मक्खी के जैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए, उससे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जैसे कि उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के मक्खियां हैं, क्वीन बी है, वर्कर बी है, जो एक प्रोटेक्ट करती वो एक बी है। तो अलग अलग जो मक्खियां हैं अलग अलग काम करते। और आज की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन ज़वाली नियमतिका व तहूली आफियतिका व फुजाअती निकमतिका व जमिया सखतिका। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ और इस बात से कि तेरे दिए हुए कोई नेमत छिन जाए या तेरी दी हुई आफियत पलट जाए, कोई नागहानी अजाब आ जाए और तेरी तमाम हस नाफरमानियों से तेरी पनाह चाहता हूँ। तो अब इसमें अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका, ये पनाह चाह रहे मीन ज़वाली नेमती, मतलब होता ना कि कोई भी चीज, कोई नेमत छिन जाने का डर हो, क्योंकि नेमतिका नेमतिका अल्लाह ताला को बोल रहे हैं कि अल्लाह मेरी कोई भी नेमत छिनने का मेरे को डर है। दबूल आफियतिका, या कोई आफत आ जाए, अब कोई भी आफत हो जाती है, अब जैसा कि वायरस चल रहा, कोई भी आफत, तो उसके लिए भी हम पढ़ सकते हैं। फुजाअती निकमतिका, और बोल रहे हैं कि आप